हम लोग राष्ट्र के निर्माता हैं, हम लोग बच्चों की पीढ़ियों को तैयार करते हैं, हम लोग देश को सैनिक देते हैं, हम लोग देश को अधिकारी देते हैं। आज यह स्थिति कर दी गई है, न बच्चों को पढ़ने भेजा जा रहा है, न विद्यालय खोलने दिए जा रहे हैं। हमारी पुरजोर मांग ये है कि बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार आप दे रहे हैं उनको पूरा कीजिए, हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद ना हों, हमारी पीढ़ियाँ अशिक्षित ना रहें, इनको प्रशिक्षण मिलना चाहिए, इनको शिक्षण मिलना चाहिए, तभी एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे हम लोग। सरकार का ये मुख्य नारा है कि मजबूत राष्ट्र अच्छी शिक्षा से बनता है। साथियों, हमारे अध्यक्ष जी, हमारे सारे साथी बुरी तरह परेशान इसलिए भी हैं कि हम लोग बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि हम लोग बच्चों को तैयार कर रहे हैं। 20 वर्षों से भाई साहब काम कर रहे हैं, 25 वर्षों से दूसरे लोग काम कर रहे हैं, 20 वर्षों से मैं भी काम कर रहा हूँ। तो हमारा मुख्य इशू ये है कि इन बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित न किया जाए, इनको शिक्षित करना हमारा परम कर्तव्य है। हम देश को मजबूत बना रहे हैं शिक्षा के माध्यम से। मेरा पुरजोर अपील है सरकार के लोगों से, सरकार के साथियों से, कि हमें विद्यालय खोलने दिया जाए, हमें बच्चों को शिक्षित करने का मौका दिया जाए, अन्य समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। हम 16 माह हो गए, 13 मार्च को विद्यालय बंद हुए, 13 मार्च के बाद विद्यालय बंद होने के बाद बच्चे ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि मोबाइल, टीवी, स्कूल संचालक होने के साथ साथ हमारे खुद के बच्चे हैं, घर में पढ़ाई नहीं हो पाती। सरकार कह रही है कि ऑनलाइन पढ़ाया जाए, कहीं नेटवर्क नहीं आते, कहीं किसी पे अभिभावक पे मोबाइल नहीं है, तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि स्कूल खोले जाएं, मॉल खोल दिए गए, आपके शराब के ठेके तो शुरू से ही खुले हैं, आप बसें देख लीजिए, शादी देख लीजिए, 2000 की भीड़ हो रही है, आप मार्केट देख लीजिए, यहाँ कहीं किसी पे मास्क नहीं लगा होगा, और इलेक्शन भी हो रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, केवल विद्यालय ही बंद है। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा कि कोरोना भी नहीं है तो विद्यालय शुरू किए जाएं, जिससे बच्चों का चाहे दो शिफ्ट में किए जाए, जैसे सरकार चाहे। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।